नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट्स टेबल। जीत के बाद गुजरात टाइटंस की टीम को पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा फायदा। तो क्या है पूरा पॉइंट्स टेबल बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आप आईपीएल 2023 में किस टीम को सपोर्ट करते हैं आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज आईपीएल 2023 का सातवां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 162 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना डाले और दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से कप्तान डेविड वॉर्नर ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए और वहीं गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी और राशिद खान ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट चटकाए और वहीं 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत भी खास नहीं रही। लेकिन साई सुदर्शन ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम को इस मुकाबले में जीत दिलवा दी। तो चलिए नजर डालते हैं गुजरात टाइटंस की जीत के बाद आईपीएल 2023 के पूरे पॉइंट्स टेबल पर। वहीं दोस्तों नंबर वन पर गुजरात टाइटंस की टीम आ चुकी है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करके 4 अंक जीत कर चुकी है। उसके बाद नंबर दो पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और एक मुकाबले में ही जीत हासिल करके 2 अंक जीत कर चुकी है। वहीं नंबर तीन पर आरसीबी की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। और नंबर चार पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीत चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भी 2 अंक है। और उसके बाद नंबर पांच पर पंजाब किंग्स की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में जीत हासिल करके 2 अंक जीत कर चुकी है। वहीं नंबर छह पर चेन्नई की टीम है, जो दो मुकाबलों में एक मुकाबला जीती है और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक जीत कर चुकी है। और उसके बाद नंबर सात पर केकेआर की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। और नंबर आठ पर मुंबई इंडियंस की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में भी 0 अंक है। और वहीं नंबर नौ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जो एक मुकाबला खेली और उस मुकाबले में हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। और वहीं नंबर दस पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जो दो मुकाबले खेली और दोनों मुकाबलों में हारी है और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो दोस्तों ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।